हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लॉकडाउन स्पेशल ढाबे वाला चिकन बनाने के लिए जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और 7 से 8 मैंने प्याज ले लिए हैं और प्याज को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है पतला पतला। और हरी मिर्च ले लिए मैंने 6 से 7, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चिकन बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब जो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे अनियंस जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। 10 मिनट प्याज को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन को डाल दिया है और जो मैंने हरी मिर्च कट करी थी वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इन सबको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ और इन सबको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको आपको चलाते रहना है ताकि जो चिकन है हमारा नीचे ना लगे। अब साथ ही मैं इसमें 2 से 3 करी पत्ता ऐड कर दिया है। ध्यान रहे कि आपको चिकन जो है बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है ताकि जो है ये नीचे लगे ना। ये देखिए दोस्तों, मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं 4। मैंने इलायची ली है और दालचीनी ली है थोड़ी सी और काली मिर्च ली है। अब मैं इसको इमाम दस्ते में अच्छे से क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्रश कर लिया। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है और बीच बीच में आपको उसको जो है अच्छे से चलाते रहना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दूँगी और इसको भी हमें 1-2 मिनट तक अच्छे तक भूनना है। दोस्तों, आपको बीच बीच में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी जो है इसमें डालते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। हल्दी को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हल्दी अच्छे से भून चुकी है और मैं जो इसको है हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ। आपको भी हाई पे ही बनाना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 1-2 मिनट तक ही इसको भी अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमारा कोरिएंडर पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी रेड पाउडर डाल देती हूँ। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको भी अब आपको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और बीच में कभी भी आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। और साथ ही में मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल देती हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप इसको भी डाल सकते हैं। इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देती हूँ। इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब जीरा पाउडर के बाद मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। गरम मसाले को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर डाल देती हूँ और इन सबको, जो ये सारे मसाले हैं, इनको मैं फुल फ्लेम पे अच्छे से भून लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, क्योंकि चिकन आपका जितने अच्छे से बनता है, भूनता है, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अब इसको जो है हमें 3 से 4 मिनट तक फुल फ्लेम तक अच्छे से भून लेना है। भूनने के साथ साथ मैं हल्का हल्का पानी भी ऐड इसमें कर रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके ना। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन कितने अच्छे से भून चुका है। अब मैं इस ग्लास के अकॉर्डिंग इसमें जो है पानी ऐड कर लेती हूँ। मैं इसमें 3 गिलास में पानी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। आपको थिक ग्रेवी अच्छी लगती है तो थिक के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या थोड़ा पत्ता अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स, ये देखिए दोस्तों, मैंने पानी को अच्छे से मिक्स, ये देखिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना यम्मी लग रहा है।
देखने में, और खाने में भी उसका टेस्ट इतना ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा चिकन। और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने हैंड वॉश करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।